भारत में समय कटौती का दौर चल रहा है। बिजली कटौती के बाद समय आ गया है अनाज कटौती का। देश में लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जा रहे गेहूं के सप्लाई पर रोक लगा दिया गया है और साथ ही साथ गेहूं के अन्य देशों में निर्यात पर भी रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2021 और 22 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर की अवधि में भारत ने $872 मिलियन से अधिक मूल का गेहूं निर्यात किया था और दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो गेहूं यानी वीट के लिए भारत पर निर्भर है। लेकिन अब भारत जब खुद के ही देश के लोगों की भूख नहीं मिटा पाएगा तो अन्य देशों को क्या ही अनाज भेजेगा। आपको बता दें कि भारत से गेहूं निर्यात सबसे ज्यादा अधिक बांग्लादेश में होता है। 299.4 मिलियन डॉलर का गेहूं यानी 54% गेहूं भारत से बांग्लादेश भेजा जाता है। फिर नेपाल, यूएई, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतार, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया है। और साथ ही साथ खबर ये भी आ रही थी कि भारत मिश्र को गेहूं का निर्यात शुरू करने की पहल कर रहा है। मिश्र के साथ साथ टर्की, चाइना, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान आदि देशों के साथ भी भारत चर्चा कर रहा है। लेकिन अब वीट एक्सपोर्ट पर भारत ने बैन लगा दिया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलते हुए सरकार ने गेहूं को प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसलिए अब जहां कुछ समय पहले ये खबरें आ रही थी कि भारत अब दुनिया के कई देशों का पेट भर रहा है, अब स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत है। विजिता जी, आपकी साल जो था 444 लाख टन की परचेज की एक इन्होंने टारगेट रखा था, लेकिन जो हालात बने हैं और जो गेहूं कम हुआ है उससे सिर्फ 300 लाख टन का ही अनुमान परचेजिंग का होने की उम्मीद पाई जा रही है। इन हालात को देखते हुए जो इन्होंने फैसला किया है एक्सपोर्ट करने का, वो बहुत ही बेहतर किया है। अच्छा, उसके पीछे ये भी था कि हमारे यहाँ का जितना अच्छा अनाज था, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जितना अच्छा अनाज था वो बाहर जा रहा था और वहाँ का खराब अनाज जो था वो बड़े दामों पे आयात किया जा रहा था। ये बीच में कई बार कई खबरें भी बनी हैं और चीजें भी सामने आई हैं। इन हालात को देखते हुए इस चीज को गवर्नमेंट ने देखा और देखने के बाद इस चीज पर एक ब्रेक लगाई है, ये एक बड़ा काम किया है। हाँ, बात यह है कि जैसे मिस्र को देते थे और जहां जहां भी जिन मुल्कों में ये गेहूं, अनाज और चावल भी काफी एक्सपोर्ट होता था अपने यहाँ इन सब चीजों पे, लेकिन अभी जो गेहूं के एक्सपोर्ट ना करने से इस पे काफी फर्क पड़ेगा इन सब चीजों पे। लेकिन एक फायदा भी होगा, फायदा ये होगा कि जो जैसे कनाडा है या अमेरिका है, ये मुल्कों में वहां का यहाँ का गेहूं वहां आएगा तो जाहिर बात है जो उनकी करेंसी का जो मामला चल रहा है उसका फर्क पड़ेगा, उसका चेंजिंग होगी सारी चीजों की। ये एक खास बात सामने आएगी आने वाले दिनों में, महंगी भी हो सकती है, वो मौके का फायदा उठाते हुए, जाहिर बात है इंडिया ने मौके का फायदा उठाते हुए हालात को देखते हुए उन्होंने मना कर दिया, उसका मौके का फायदा भी अमेरिका उठा सकता है, कनाडा उठा सकता है और भी मुल्क उठा सकते हैं जो गेहूं निर्यातक देशों में शुमार जिनका होता है। लेकिन सवाल बस ये खड़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में हमारी जो दिक्कतें आ रही हैं या जो हमारी परेशानियां जिसे क्रूड ऑयल को लेकर के थी, ये जितने भी सऊदी के ममालिक हैं इन लोगों ने जो अपनी एक सिस्टम बना दिया था कि जो रेट बढ़ाते चले जा रहे थे, सारी चीजें थी, जाहिर बात है हमारे यहाँ खुदा की कुदरत ही है कि हमारे यहाँ गेहूं होता है, ज्यादा पैदा होता तो हम गेहूं का आयात करते थे, उनके यहाँ तेल पैदा होता तो तेल का आयात करते थे, तो अब उन सब चीजों में चेंजिंग आएगी। इससे फायदा ये होगा, ये कदम जो भी है बढ़ाया गया है तो इससे जो हालात पैदा होंगे वो थोड़े से अगर कायदे से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और उसके तहत अगर अमल कर लिया गया तो इससे आने वाले दिनों में इफेक्ट पड़ेगा, हमें तेल सस्ता भी मिलेगा और चीजों का एक अलग अंजाम जो है सामने आएगा और उसका एक बेनिफिट जो है हमारी आवाम को भी मिलेगा अगर ये कायदे से कर ले गए तो। अगर ये अडानी और इनके अंबानी के चक्कर में फंस गए, जैसे उन्होंने हमारा जितना अच्छा माल था लोगों में लुटा दिया है, तो फिर जाहिर बात है कि उससे फर्क पड़ेगा, हम उनको माल भी नहीं पाएंगे, वो भी हमारे तेल या किसी भी आइटम में नहीं कम कर पाएंगे, तो उसका फर्क भी पड़ेगा। मीता जी,
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।